भारतीय जनता पार्टी के चुनावों से पूर्व ही मान लिया था कि उनके दो सांसद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र से दोनों सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए। कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र के जनरल हाउस में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आजकल विरोधाभास चला हुआ है, पार्टी को अभी अपने एक मंत्री को हटाना पड़ा, देश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपने भविष्य का डर सताने लगा है, हालात ऐसे हैं कि वे मंडी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं मंडी से भाजपा प्रत्याशी की हार हो गई तो पता नहीं उनका क्या होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जो खुलासा पत्र अडवाणी जी को लिखा है उसमें ही साफ हो रहा है कि किस कदर उन लोगों की बेकदरी की जा रही है जिन्होंने पार्टी को स्टैंड करने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वह बताना चाहते हैं कि प्रदेश में बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कांग्रेस के लिए अंदर खाते काम करते हैं। शांता कुमार को भी उन्होंने मैदान से हटा लिया, जिन्होंने जो दो दफा मुख्यमंत्री रहे वो मैदान से बाहर हुए। शिमला पे जो उनके सांसद थे वीरेंद्र कश्यप जो है उनको भी उनको चुनाव से हटाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हमारे सांसदों ने काम नहीं किया है और जनता का क्रोध जो है सहना पड़ेगा, इसलिए दो सांसद हटे और उसके बाद उनके एक मंत्री की विकेट गिरी है। अनिल शर्मा ने जो इस्तीफा दिया है और ये शुरुआत है जयराम सरकार के लिए। बहुत दिन से जयराम जी कह रहे थे कि अनिल शर्मा अपने विवेक से फैसला करें, लेकिन हमने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री में दम होना चाहिए। एक पार्टी का मंत्री जिसके पिताजी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनके पोते कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनकी पत्नी जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की पत्नी कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, फिर भी मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं है कि वो कह सके कि मैंने मंत्री को हटा दिया। ये सरकारें राजनीतिक इच्छा शक्ति से चलती हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति कोई वीरभद्र सिंह से सीखे। वीरभद्र सिंह आपको मालूम है इनकी दोस्ती और इनकी दुश्मनी पूरी निभाते हैं, तो इसलिए आज हालात ये बन गए हैं कि मुख्यमंत्री मंडी हलके से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वहीं पे जो है उसी चक्कर में फंस के रह गए हैं। और दूसरी तरफ इस समय का भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है, कल ही मुरली मनोहर जोशी जी ने अडवाणी जी को खुला पत्र लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता रहे हैं उनके अंदर इस सरकार को लेके क्या सोच है, मुरली मनोहर जोशी जी ने लिखा है कि पार्टी की लुटिया डूब गई और अडवाणी जी अब कब तक खामोश रहेंगे। इन लोकसभा चुनावों में वो चाहते हैं कि इस बार चारों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी परचम लहराएं और यह तभी संभव हो सकता है जब सभी आपसी मतभेद भुलाकर एक दिशा में काम करेंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर सभी पदाधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं कि चुनावों के बाद पार्टी सभी बूथों का मंथन करेगी, अगर कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी अपने बूथ से पार्टी प्रत्याशी की लीड नहीं दिलवा पाया तो वह समझते हैं कि उसे उस पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इन चुनावों को गंभीरता से लें और किसी तरह की कोताही न की जाए। इन चुनावों में आपको न उन्हें जिताना है और न पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को और न ही ठाकुर रामलाल को, बल्कि सभी को ये चुनाव लड़ना है राहुल गांधी को देश के सिंहासन पर बिठाने के लिए, इसीलिए समय नष्ट न करें, सब भाजपा के जुमलों से जनता को अवगत करवाएं और कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश में कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को जो दिवाला निकला है वो आज दिन तक कभी नहीं निकला। भाजपा कहती है कि उन्होंने ये किया वह किया और कांग्रेस ने 60 साल राज करने के बाद कुछ नहीं किया।
तो वह उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो सड़कें बनी है, रेल पटरियों के जाल बिछे हैं, क्या वह 5 साल में ही हो गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इन्हीं बातों को दोहराया है जो उनके पिछले संकल्प पत्र में थी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से परेशान है। उत्तरदायित्व को बड़े ढंग से निभाना होगा और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कांग्रेस पार्टी का नारा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारे पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके अपने बूथ में भी कई बार कांग्रेस की लीड नहीं होती, जो बहुत शर्मनाक बात है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस पदाधिकारी की, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, अगर उसके बूथ में कांग्रेस पार्टी की लीड नहीं होगी तो उसे पदाधिकारी बने रहने का कोई हक नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेके आई, अपने घोषणा पत्र को यह संकल्प पत्र कहते हैं, और इन्होंने तमाम वही पुरानी बातें दोहराई हैं जो उनके पिछले संकल्प पत्र में थी। फिर से राम मंदिर के बाद 20 साल 25 साल से ज्यादा समय हो गया, वही रात या लाभ रहे और फिर से इन्होंने राम मंदिर की बात शुरू कर दी है। धारा 370 को खत्म करने की बात पिछले घोषणा पत्र में भी थी, अभी फिर से शामिल इन्होंने किए और इन्होंने फिर से अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे। पिछले संकल्प पत्र में भी यही बात थी, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और आतंकवाद की जहां तक बात है, इन 5 वर्षों में इस देश में जितना आतंकवाद बढ़ा है और जितने हमारे जो अर्धसैनिक बल है या सैनिक शहीद हुए हैं, अगर हम आर पार की लड़ाई भी अपने शत्रु मुल्क से लड़ते तो शायद इतनी शहादत नहीं होती। रोजगार की फिर से इन्होंने बात की, पिछले संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 5 वर्ष में 10 करोड़ रोजगार बनते, इतने लोगों को रोजगार मिले, लेकिन फिर से इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में फिर से शामिल किया। PLTV के लिए हमीरपुर से ईशान शर्मा की रिपोर्ट।